नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डाली के बारे में। तो डाली बेसिकली है क्या? जो आपकी इमेजिनेशन है उसको आप टेक्स्ट में बदलिए और टेक्स्ट को आपको ये इमेज में करके देगा। तो बेसिकली देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसका इंटरफेस तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो लेट्स गो टेक एन एग्जाम्पल, द एप्पल on the desk। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एप्पल भी रखा हुआ है और ये डेस्क, तो लगता तो है कि ये कुछ ऐसा ही इमेज देगा। तो जनरेट करते हैं। पहले से भी मैंने इसमें सर्च करके रखा था तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ, जनरेट कर रहा है ये। जब तक ये जनरेट कर रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इसका AI 12 बिलियन पैरामीटर्स ट्रेंड है। तो जनरेट हो चुकी है इमेज और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया है इसने इमेजेस का और काफ़ी क्वालिटी इमेजेस है। तो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। द यूनिकॉर्न इन स्काई, यूनिकॉर्न इन स्काई सर्च करता हुआ और आप देख सकते हैं कि यूनिकॉर्न एक इमेजिनेशन है और उसको भी इसने कितने अच्छे से कन्वर्ट करके एक इमेज में बदल दिया है। ये टेस्ट डिस्क्रिप्शन को काफ़ी अच्छी तरीके से बदल सकता है। तो लेकिन इसमें ये जो इमेजिनेशन कैरेक्टर है इसकी इमेज मुझे कुछ सही नहीं लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जैसा एनिमे या कार्टून टाइप का लग रहा है और देख सकते हैं ये खिलौना डाल दिया है इसमें, तो इसमें काफ़ी खामियां लग रही हैं मुझे। थोड़ा इमेजिनेशन वाले कैरेक्टर्स को जो इमेजिनेशन है उसको कन्वर्ट करने में इसको थोड़ा सा मुश्किल होती है। बाकी अगर जो आपकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें उसको ये काफ़ी अच्छी तरीके से बदल देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैन इन द ओशन। अ मैन इन द ओशन, तो देख सकते हैं आप कि ये कैसा अच्छा सा ये दे रहा है एग्जांपल। तो रियल में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से जनरेट कर रहा है और बाकी जो इमेजिनेशन है वो थोड़ा इसमें मुश्किल है, इसमें ये खामी है। और तो इसके एप्लीकेशंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रोडक्ट और फिल्म इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल निभा रहा है और अपकमिंग टाइम में ये बहुत ही अच्छा रोल निभा सकता है, क्योंकि इसके जो इमेजेस जनरेट करने के तरीके हैं वो काफ़ी इजी हैं और काफ़ी अच्छे से हमें इजीली टेक्स्ट या इमेजेस को मिल सकते हैं जो भी है। तो ये बेसिकली इसके एग्जांपल्स तो आपने देख लिया। मैं आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो ये फिल्म इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी अच्छी इमेजेस दे सकता है। तो आप को करना क्या है, बस आपको एक टेक्स्ट देना है और आपको आपकी मनचाही इमेज मिल जाएगी। तो इसका अपकमिंग टाइम में बहुत ही अच्छा रोल होगा और क्योंकि इसका ये टेक्स्ट को हम देंगे और इमेजेस हमें वेरी इजीली मिल जाएगी, तो हो सकता है कि थोड़ा एम्प्लॉयमेंट का भी वो हो सकता है। बाकी इसके लिमिटेशंस क्या है कि ये मशीन लर्निंग मॉडल है, तो इसकी जो थोड़ा 12 मिलियन ही पैरामीटर्स होंगे तो उतना ही ये दे सकता है जितना इसको ट्रेन किया गया है और बाकी ये अब सीखता रहेगा और आपको बताता रहेगा। तो बेसिकली ये न्यूज़ भी आ रही है कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब भी खा सकता है। तो फिलहाल अभी तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। तो मन हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। लिंक है एक हमारी वीडियो का ChatGPT के बारे में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करो भाई, भाई कर देना, क्या करना।